मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर महज औपचारिकता में ही निपट रहे हैं। शिविर विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में अपने उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में केवल सामान्य ओपीडी होकर रह रहे हैं। मुख्यमंत्री निरोगी चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर लगाने के पीछे सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करना तथा इसी के माध्यम से आमजन को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की परामर्श व उपचार देना है। लेकिन धरातल पर यह शिविर स्थानीय चिकित्सकों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे ही संचालित हो रहे हैं। इसी योजना के तहत बाप कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में शुक्रवार को शिविर आयोजित हुआ। शिविर के लिए बड़ा सा शमियाना लगाया गया था। शमियाने में करीब 15 टेबलें व कुर्सियां लगाई हुई थी। शिविर में आमजन को बेहतर चिकित्सा परामर्श व उपचार देने के लिए MD फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ आने थे, लेकिन कस्बे में हुए शिविर में इनमें एक भी विशेषज्ञ नहीं आया। उपखंड मुख्यालय पर आयोजित हुए शिविर में भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं पहुंचे। फिर दूरस्थ ग्राम पंचायतों में हो रहे शिविरों में तो विशेषज्ञ चिकित्सकों की कल्पना करना भी बेमानी हागी। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में 5 टेबलों को छोड़ शेष टेबलें दिन भर शोपीस बनी रही। 5 टेबलों पर चिकित्सक व स्वास्थ्य कार्मिक बैठे अपना कार्य कर रहे थे। ये सभी स्थानीय चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी ही थे। आज अंतर सिर्फ परिसर के अंदर व बाहर का ही रहा। आम दिनों में परिसर के अंदर कक्ष में बैठकर मरीजों को देखने वाले चिकित्सकों ने ही आज शिविर में 210 मरीज देख रहे थे। ऐसे में आमजन को इन शिविरों का यथोचित लाभ नहीं मिल पाया। इसके अलावा कोविड रोधी टीका लगाने के लिए भी काफी संख्या में लोग पहुंचे। सेव द चिल्ड्रन संस्था एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आपदा प्रबंध सहायता एवं नागरिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के आदेश से गठित ग्राम लेवल पर कोविड-19 सदस्यों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज बावरी कला, भाखारिया और जाम्बा में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला समन्वयक सुखेंद्र यादव ने बताया कि अगर आपको बुखार, खांसी है और सांस लेने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं। स्वास्थ्य सेवा देने वाली संस्था से पहले ही संपर्क कर लें। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार जनागल ने कहा कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आए हैं लेकिन बीमारी से जुड़े कोई लक्षण नहीं है, ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा है कि खुद की जांच करवाएं। हो सकता है आपको कोई लक्षण दिखाई न दे, लेकिन आप अभी भी संक्रमण के वाहक हो सकते हैं और दूसरे लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। अगर आप कोरोना की जांच में पॉजिटिव पाए जाते हैं तब खुद को दूसरों से आइसोलेट कर लें और अपनी रिपोर्ट के निगेटिव आने तक किसी के भी संपर्क में न आएं।